अब इन पत्तियों को उबलने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं। अब हमने आग जला ली है, अब इस पर मटके को रखेंगे। आप इन पत्तियों को कब तक उबालते हैं भैया? हम इन पत्तियों को जब तक उबालते हैं जब तक 2.5 लीटर पानी बचे और पत्तियां अच्छी तरह उबल जाएं। अब हम इस मटके को चूल्हे से नीचे उतारकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम इन पत्तियों को इसी मटके में मसल लेते हैं। अब हम इसके लिए कपड़े की सहायता से अलग एक बर्तन में छान लेंगे। अबे हमारा घोल तैयार हो गया। आप लोगों ने यह नीम का घोल तैयार कर लिया है, अब इसका उपयोग आप कैसे करेंगे? भैया हम पंप में 250 ml नीम का घोल डालेंगे और 14 लीटर पानी डालेंगे और हम इसका छिड़काव कर देंगे। आप एक एकड़ खेत में कितने पंप का छिड़काव करते हैं? भैया एक एकड़ खेत में हम 8 से 10 पंप का छिड़काव करते हैं। ये घोल छिड़काव करते समय मास्क एवं ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। आपको इस विधि से नीम घोल तैयार करने में क्या क्या फायदे हैं? भैया हमें इस विधि से नीम घोल तैयार करने में बहुत से फायदे हैं। इस विधि में बहुत ही कम लागत आती है। सभी वस्तुएं आसानी से आसपास के वातावरण में मिल जाती हैं। यह घोल फसल में कीटनाशक का काम करता है। यह अन्य प्रकार के कीटों की रोकथाम भी करता है और इससे हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। और भैया इससे हमारी फसलों की वृद्धि अच्छी होती है और इसके प्रयोग से हमारी फसल का उत्पादन अच्छा होता है। आप लोगों ने हमें नीम घोल तैयार करके बताया और उसके फायदे बताए। अब हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों को हमारा राम राम। हम सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी इस विधि को अपनाएं और अपने उत्पादन में आने वाली लागत को कम करें। शरद जी और राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमें नीम का घोल तैयार करके बताया एवं उसके फायदे बताए और हमारे किसान भाइयों को संदेश दिया। अच्छा तो भैया राम राम। हाँ भैया राम राम। जैसा किसान भाइयों, आज आपने देखा हमारे किसान शरद जी और राजेश जी ने हमें शीघ्र नीम घोल तैयार करके बताया एवं उसके फायदे बताए। हम आशा करते हैं कि आप भी इसी तरीके से नीम का घोल तैयार करेंगे और फायदा लेंगे। अच्छा तो किसान भाइयों राम राम।